सितंबर 2023 में सदर मुमलिकत के ओहदे की 5 साल की मुद्दत ख़त्म होगी तो डॉक्टर आरिफ अलवी अपने ओहदे से रुखसत हो जाएंगे। इसके बाद नया सदर कौन आएगा, किसको पहले से ही उम्मीद दिला दी गई है और उसके ओहदे का भरपूर इस्तेमाल किया जा रहा है। पीटीआई के रहनुमा फवाद चौधरी से एक प्रोग्राम में ये सवाल किया गया कि आप ये कहते हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा को जनरल रिटायर्ड बाजवा की मर्जी पर तैनात किया गया, अब तो वो रुखसत हो गए हैं, तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर किस से अपनी तमाम तर कार्रवाई के लिए अहकाम ले रहे हैं। इस पर फवाद चौधरी ने कहा कि बड़ी जाहिर सी बात है, ये नून लीग से अहकाम ले रहे हैं क्योंकि नून लीग की जानिब से उन्हें ये उम्मीद दिला दी गई है कि आप सदर अलवी के बाद पाकिस्तान के आइंदा सदर होंगे, जिस पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की जानिब से अपनी सदारत का मामला सीधा करने के लिए इस्लामाबाद में भरपूर लॉबी की जा रही है। इस्लामाबाद में इस वक्त खबरें तो यही गर्दिश कर रही हैं कि नून लीग सिकंदर सुल्तान राजा का नाम देगी और डॉक्टर आरिफ अलवी सितंबर में अपनी मुद्दत पूरी करने के बाद रुखसत होंगे, तो इसके बाद पीएमएलएन की जानिब से अपने वफादार चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा को सदर मुमलिकत बनाने के लिए कोशिश की जाएगी।